हाय गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल मॉमी डायरीज। तो आज है वेडनेसडे एंड वी हैव आवर अल्ट्रासाउंड। तो हम जा रहे हैं डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट के लिए। तो जैसे कि वो गाइडलाइंस में दे हैड ऑलरेडी मेंशन दैट यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ वाटर बिफोर यू कम फॉर द अल्ट्रासाउंड। तो हियर आई एम ड्रिंकिंग सम वाटर। अकॉर्डिंग टू द टाइमलाइंस गिवन मैंने पानी पी लिया था एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर आवर डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट। तो आज है एनाटॉमी स्कैन एंड वी आर सुपर एक्साइटेड टू मीट द बेबी अगेन। इट्स अ ब्राइट सनी मॉर्निंग बट इट्स कोल्ड एंड वी आर ऑल सेट टू मीट आवर बेबी। आज का दिन और भी स्पेशल इसीलिए है क्योंकि आज हमें जेंडर भी पता चलने वाला था। सो वी आर ईगरली वेटिंग फॉर आवर टर्न फॉर अल्ट्रासाउंड। बस हमारा अल्ट्रासाउंड टाइम पे हो गया, उसके बाद उन्होंने बोला कि थोड़ा यूरिन सैंपल के लिए। सो हियर आई एम एंड देन आफ्टर आई हैड अ वर्ड विद माय डॉक्टर दे गेव मी अ कार्ड फॉर माय नेक्स्ट विजिट। सब कुछ एकदम नॉर्मल है, सब कुछ एकदम सही है एंड प्लीज डू कीप अस इन योर प्रेयर्स सो दैट एवरीथिंग गोज एज स्मूथ एज वी आर प्लानिंग। फिर वहीं सेम कंपाउंड में बाजू में है ज्वेलॉस्को, तो हम वहां आ गए थे स्ट्रॉबेरीज, बनानास और कुछ थोड़े बहुत फ्रूट्स लेने। और ये वाले स्टोर में ना जो कार्ट है वो कार वाली कार्ट है एंड श्रेयांश इज सुपर एक्साइटेड टू सिट ऑन दीज कार्ट्स। और ये देखिए सारे स्टोर्स में हैलोवीन डेकोरेशंस आर देयर। बहुत कुछ खाली होता जा रहा है, बहुत कुछ डिस्काउंट्स पे है बिकॉज पीपल हैव ऑलरेडी डेकोरेटेड देयर होम्स। तो कुछ कुछ जो उनको क्लियर करना है तो वो सब इज़ ऑन डिस्काउंट। एंड आई सॉ समथिंग वेरी क्यूट ओवर हियर। ये देखिए ये वाला लैंटर्न, दिस विल मेक परफेक्ट फॉर आर दिवाली डेकोरेशंस टू, है ना। और अब ये देखिए ये छोटा सा मिनी पपाया। वैसे तो प्रेगनेंसी में पपाया मना करते हैं तो हमने अभी कोई पपाया नहीं लिया है। एंड हियर आर दी ब्यूटिफुल फ्लावर्स। फ्लावर्स देखते ही हमेशा अपना मन एकदम फ्रेश हो जाता है। एंड नाउ इट्स टाइम टू गो बैक होम। घर आते ही मैंने तुरंत रख दिया था गैस पे दूध। तो दूध गर्म करने मैंने रख दिया था क्योंकि आज है शरद पूर्णिमा। आप सभी को शरद पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये मैंने अच्छे से दूध को उबाल लिया है और जैसे ही दूध काफ़ी रिड्यूस हो जाए, जैसे अगर वन पोर्शन है तो वो टू थर्ड पोर्शन में बच जाए, तो मैंने पहले से ही इतना राइस वॉश करके सोक करके रखा था। तो अब मैं वाटर ड्रेन करके थोड़ी देर से इसमें सिर्फ राइस डाल दूँगी इस मिल्क में एंड आई लेट इट कुक। तो अच्छे से जब आपका राइस सॉफ्ट हो जाए इस मिल्क में, इसमें मैंने ऐड कर दिया है शुगर। मैंने शुगर अंदाजन ऐड किया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर ऐड कर सकते हैं। एंड देन सम चॉप्ड नट्स। ये मेरे पास सारे रोस्टेड नट्स है इसीलिए मैंने इनको घी में रोस्ट अलग से नहीं किया। एंड फाइनली एट द एंड आई एडेड सम कार्डमम पाउडर। तो ये देखिए मैंने निकाल लिया है। वैसे तो मैं शरद पूर्णिमा में फास्ट नहीं करती हूँ बट बहुत ही सरल तरीके से, एकदम बहुत इजी तरीके से, जैसे मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बताया था उस तरीके से मैंने एक छोटी सी पूजा पूरे भक्ति भाव से कर ली है और यहाँ मैंने रख दिया है। और फिर क्योंकि आज डॉक्टर्स विजिट था और हम लोग बहुत एक्साइटेड थे तो हम एक मिनी सेलिब्रेशन करने आ गए हैं ऑलिव गार्डन। तो ये श्रेयांश का वन ऑफ द फेवरेट प्लेसेस है फॉर डिनर। फ्रेंड्स, इफ़ यू आर नॉट येट अ पार्ट ऑफ माई फैमिली, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल एंड बी पार्ट ऑफ माई फैमिली। शेयर योर लव एंड ब्लेसिंग्स टू अस। इस तरीके का एक ड्राइंग बुक विथ
किड्स मेन्यू एंड सम क्रेयॉन्स मिलता है वहाँ बच्चों के लिए, एंड दिस इज़ ऑल दैट वी ऑर्डर्ड, आपको आगे दिखेगा. सो सैलड, सूप्स एंड पास्ता फॉर अस एंड पिज्ज़ा फॉर श्रेयांश. आई होप आपको ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा हो. अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा. मिलते हैं आपके साथ अगले व्लॉग में. बाय गाइज, कीप स्माइलिंग, स्टे सेफ, सी यू अगेन सून.